नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारे सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पे बेस्ड एक केस स्टडी, और एक केस स्टडी बेस्ड होगा हमारा बिजनेस साइकिल पे। तो दो केस स्टडी मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ, और ये जो केस स्टडी का सीरीज चल रहा है उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे आप लोग अलग अलग तरह के केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई, मनी मनी सप्लाई कर्व, इन सभी के केस स्टडी को डिस्कस किया था। तो आज हम लोग थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस थ्योरी स्टडी को समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का थ्योरेटिकल पोर्शन एक बार जरूर देख लें, तभी आप इस केस स्टडी को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट आप लोग जानते ही हैं कि इसमें आपको कुछ बेसिक नॉलेज जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले मेरा इस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का थ्योरेटिकल पोर्शन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे एक बार जरूर जाके देखें, तब इसे आप पढ़ें, तब इस केस स्टडी को सॉल्व करें, तो आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं केस स्टडी में क्या कहा गया है। सबसे पहले इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। देखिए दोस्तों, इस ग्राफ में हमारे पास ओरिजिन है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे इनकम को दर्शाया गया है, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को दर्शाया गया है। दोस्तों अब देखिए, एक्स एक्सिस पे वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, ये सभी इनकम लेवल्स हैं, और वाई एक्सिस पे आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, आर फाइव, ये सब रेट ऑफ इंटरेस्ट के लेवल है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो कर्व आपको दिख रहा होगा। एक कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, जिसे हम लोग आईएस कर्व कहते हैं, यानी कि इनकम सेविंग कर्व कहते हैं। और दोस्तों दूसरा जो कर्व है वो है हमारा एलएम कर्व। एलएम कर्व को हम लोग लिक्विडिटी मनी प्रेफरेंस कर्व कहते हैं दोस्तों। तो ये जो कर्व है लिक्विडिटी मनी वाला, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। फ्रेंड्स, ये दोनों जो आईएस और एलएम कर्व हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, जिसे हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ जिस पॉइंट पे आर थ्री और वाई थ्री इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये है इस ग्राफ का बेसिक मीनिंग। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डायग्राम डिपिक्ट्स द आई एस एल एम कर्व मॉडल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ओ एक्स रिप्रेजेंट डिफरेंट इनकम लेवल, हमने बताया था। ओ वाई रिप्रेजेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमने बताया था। अब इन ग्राफ के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन को आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द आई एस एल एम कर्व मॉडल। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से जो है आई एस एल एम कर्व मॉडल को प्रपाउंड किए थे। ऑप्शन ए को देखिए, हिक्स एंड हैंसन। ऑप्शन बी है जिम जे एम केन्स। ऑप्शन सी है क्लासिकल इकोनॉमिक्स, और ऑप्शन डी है हिक्स एंड केन्स। तो दोस्तों, आई एस एल एम कर्व मॉडल को किसने प्रपाउंड किया था। तो सबसे पहले देखिए, आई एस एल एम कर्व में दो चीज़ है, एक है आई एस और एक है एल एम। ठीक है दोस्तों, आई एस को हम लोग इनकम सेविंग कहते हैं और एल एम को हम लोग लिक्विडिटी मनी कहते हैं। दोस्तों मैंने अपने थ्योरेटिकल पोर्शन में अच्छे से समझाया था कि ये जो एल एम कर्व होते हैं वो कुछ और नहीं है, वो कीन्स मॉडल है। वो क्या है दोस्तों, वो कीन्स मॉडल है। ठीक है, तो ये जो कर्व मॉडल है ये प्रपाउंड किया था किन दोनों ने, हिक्स और हैंसन ने प्रपाउंड किया था। इसीलिए हम लोग इसे हिक्स हैंसन सिंथेसिस भी कहते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हिक्स हैंसन सिंथेसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आई एस एल एम कर्व को किसने प्रपाउंड किया था, हिक्स एंड हैंसन। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। तो ये इसका एक और फायदा क्या है, इस ग्राफ का, इस आई एस एल एम कर्व का एक और खासियत क्या है कि ये सिंथेसिस लाता है क्लासिकल थ्योरी में और कीन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में। तो कीन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एल एम कर्व, और क्लासिकल थ्योरी यानी कि आई एस कर्व। तो एक तरह से आई एस और एल एम कर्व मिल गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग आई एस कर्व इन द डायग्राम। आई एस कर्व से रिलेटेड कौन सी जानकारी सही है, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कर्व इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। दूसरा ऑप्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड बाय लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तीसरा ऑप्शन है व्हेन इनकम राइजेस रेट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो राइजेस। बी कर रहा है, डी कर रहा है व्हेन इनकम फॉल्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो फॉल। तो दोस्तों आई एस कर्व को आप लोग पहले समझिए, आई एस कर्व क्या है दोस्तों। आई एस कर्व हमारा कीन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पे बेस्ड है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्सेज इनकम सेविंग को दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, ये जो आई एस कर्व है, केवल यहाँ आई एस कर्व की बात हो रही है दोस्तों, एल एम से कोई मतलब नहीं है। ये जो आई एस कर्व है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड बाय सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। नाम से ही देखिए ना दोस्तों, आई से इनकम हुआ, एस से सेविंग हुआ। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट रहेगा हमारा एक एक्सेस पे, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट रहेगा हमारा दूसरे एक्सेस पे। अब आप खुद सोचिए कि मान लीजिए कि इनकम बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो इनकम यदि आपका बढ़ेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे पैसे को। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो उसके कारण क्या होगा, ब्याज का जो दर है वो बढ़ेगा, लीडिंग टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो जरा ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है द कर्व इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। तो ये तो सही है, इन्वेस्टमेंट सेविंग के बेस्ड है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो इन्वॉल्व है। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है हमारा। ठीक है, ऑप्शन बी को जरा देखिए। ऑप्शन बी में कह रहा है
कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड बाय लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिटरमाइन कर रहा है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का लेवल डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ऑप्शन सी कह रहा है कि इनकम राइज करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी राइज करेगा। ठीक है, तो ये भी सही है एक तरह से, लेकिन जो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। इन द डायग्राम द इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट ई। ठीक है, इन दिस कनेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे नॉट करेक्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो हमें ये वो ऑप्शन देखना है जो कि सही नहीं है। और हम लोग जानते ही हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है हमारा ई पॉइंट, जहाँ पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट वन नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है एट दिस पॉइंट द इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टैंड इन रिलेशन टू इच अदर। चलिए, बी कह रहा है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग आर इन इक्विलिब्रियम। सी कह रहा है डिमांड फॉर मनी इज इन इक्विलिब्रियम विद सप्लाई ऑफ मनी। और डी कह रहा है नन ऑफ दिस। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस इक्विलिब्रियम पॉइंट की क्या खासियत है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है कि इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इस तरह रिलेशन में रहता है ताकि इन्वेस्टमेंट सेविंग जो कि आई एस कर्व से रिप्रेजेंट है और डिमांड एंड सप्लाई जो कि एल एम कर्व से रिप्रेजेंट है, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम हो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इक्विलिब्रियम पॉइंट का क्या खासियत है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह रिलेशन में होता है आपस में कि इनकम एंड सेविंग आर इन इक्विलिब्रियम, आईएस आर इन इक्विलिब्रियम एंड डिमांड एंड सप्लाई आल्सो इन इक्विलिब्रियम। तो इनकम सेविंग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आईएस कर्व, डिमांड सप्लाई को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एलएम कर्व। तो आपस में सभी लोग इक्विलिब्रियम में होते हैं। जरा ये ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है एट दिस पॉइंट इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टैंड इन रिलेशन टू ईच अदर। बिल्कुल सही है, अब मैंने बताया भी कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहाँ पे इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपस में एक रिलेशन मेंटेन करते हैं। और मैंने क्या बताया कि इस पॉइंट पे जो इन्वेस्टमेंट सेविंग इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि आईएस का जो कंपोनेंट है वो इक्विलिब्रियम में होगा, और इस पॉइंट पे एलएम का जो कंपोनेंट है जो कि डिमांड और सप्लाई है वो भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख सकते हैं, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, लेकिन पूछा क्या गया था, नॉट करेक्ट, मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन का आखिरी, इस केस स्टडी का आखिरी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ISLM और डिटरमिनेट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो ISLM कर्व है इसका दूसरा नाम है डिटरमिनेट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो डिटरमिनेट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है वो किस चीज़ पे बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर वन कर रहा है इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन, ऑप्शन नंबर टू कर रहा है सेविंग और कंजम्पशन फंक्शन, ऑप्शन नंबर थ्री कर रहा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन, ऑप्शन नंबर फोर कर रहा है क्वांटिटी ऑफ मनी। अब देखिए ऑप्शन किस तरह है, 1-4 ऑल, 1-2 एंड 4, 2-3 एंड 4, 1-3 एंड 4। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे CIB में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या खासियत है क्वेश्चन का कि ऑप्शन को भी फिर भी एक ऑप्शन बनाया गया है। चलिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो ISLM कर्व जो है किन किन चीज़ों पे बेस्ड है ये पूछा गया है। तो सबसे पहला चीज़ है इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन पे बेस्ड है, दूसरा है सेविंग कंजम्पशन फंक्शन पे बेस्ड है, तीसरा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस पे बेस्ड है, और चौथा है क्वांटिटी ऑफ मनी पे बेस्ड है। तो दोस्तों ये चारों के चारों फंक्शन पे ISLM कर्व हमारा बेस्ड है। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने अपने पहले केस स्टडी को डिस्कस किया। दोस्तों जो लोग इसे नहीं समझ पाए हैं कि आखिर ये क्या है क्या नहीं है, जो पहली बार देख रहे होंगे उन्हें तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि उनको नहीं समझ में आया होगा। तो उनको करना क्या है कि पहले इसका थ्योरेटिकल पोर्शन को एक बार देखें, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसको एक बार देखें, दो बार देखें, जब तक क्लियर नहीं हो जाए तब तक देखें, और फिर इसे अटेम्प्ट करें, फिर मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सब चीज़ क्रिस्टल क्लियर रहेगा। चलिए अब हम लोग अपने दूसरे केस स्टडी पे आते हैं। दूसरा केस स्टडी हमारा बेस्ड है बिजनेस साइकिल। दोस्तों बिजनेस साइकिल AVM का सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट टॉपिक है, तो इसका तो क्वेश्चन यदि आए तो उसको तो छोड़ना है नहीं आपको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट टॉपिक है, तुरंत समझ में आता है। आइए देखते हैं क्या केस स्टडी कह रहा है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो वेव टाइप बना हुआ है 1-2-3-4-1-2 करके, तो इस डायग्राम के बारे में कहा गया है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बिजनेस साइकिल के डिफरेंट फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि रिसेशन, बूम, रिकवरी, डिप्रेशन। तो अब हमें आंसर करना है इन क्वेश्चनों को बेस्ड ऑन द फीचर ऑफ दिस फेजेस। तो देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर वन है द स्लोप रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट नंबर 4 इन द डायग्राम रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। मतलब पूछा गया है कि जो पॉइंट 4 है वो किस फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पॉइंट 4 जो है हमारा इस डायग्राम में वो किस फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए है बूम, ऑप्शन बी है रिसेशन, ऑप्शन सी है डिप्रेशन, और ऑप्शन डी है रिकवरी। तो आइए दोस्तों पहले इस डायग्राम को समझते हैं। जो पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों वो बूम को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान दीजिएगा। बूम मतलब कि जहाँ पे मेरा
जहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो रहा है। फिर दूसरा जो ऑप्शन है, जो उसको स्लोप है, पॉइंट नंबर टू का जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है रिसेशन फेज को, ठीक है दोस्तों। ये जो टू का जो स्लोप है वो, जो कि आप देख सकते हैं नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड मूविंग है कर्व, तो वो रिसेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद तीसरा जो है वो डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, तो ये क्या है, डिप्रेशन। और जो चौथा पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है रिकवरी को। बस ये चार चीज़ आपको ध्यान रखना है, वन है हमारा बूम, टू है हमारा रिसेशन, थ्री है हमारा डिप्रेशन, और फोर है हमारा रिकवरी। बस ये चार चीज़ ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन क्या था कि पॉइंट नंबर फोर जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोस्तों पॉइंट नंबर फोर रिकवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग ने समझ लिया। तो क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिकवरी। आइए क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। विच ऑफ द एबव फेज इज नोन एज क्रिसिस, तो दोस्तों क्रिसिस किस फेज को कहा जाता है, आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों रिसेशन जो कि हम लोगों ने पॉइंट टू से रिप्रेजेंट किया था उसी को क्रिसिस किया जाता है, कहा जाता है। क्यों क्रिसिस कहा जाता है, क्योंकि इस फेज में सबसे ज़्यादा हमारा बिजनेस एक्टिविटी सफ़र करता है दोस्तों। तो जिस फेज में बिजनेस एक्टिविटी सबसे ज़्यादा सफ़र करे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिसिस कहते हैं। और ये क्रिसिस यानी कि रिसेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये था हमारा दो केस स्टडी, इसमें हम लोगों ने कुल मिलाकर छः क्वेश्चन डिस्कस किए। तो उम्मीद है आपका इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आप लोगों को सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये लेसन पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, और भी लोगों के साथ इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।